अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फरिया परवेज। मेरा ब्यूटी सैलॉन, जैसा कि आप देख रहे हैं, फरिया परवेज सैलॉन। मैंने ज़ाहिर है आप सब मुझे जानते हैं और मैं आप सब लोगों को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। माशाल्लाह मेरा इतना लंबा एक गाने का करियर रहा है और मैंने जब बिज़नेस का आगाज़ किया, और वो किया भी मैंने बहुत ही इस पेंडेमिक के इस सारे सिचुएशन में ही। और अब मैं आपको सैलॉन के अंदर का विजिट कराती हूँ कि हमारे क्या क्या एरियाज हैं और हम लोग सारे माशाल्लाह कैसे काम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन, हम लोग सैलॉन के अंदर आ चुके हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं, जाहिर है एक रिसेप्शन का एरिया बड़ा इम्पोर्टेंट होता है और रिसेप्शन पे मुझे सबने कहा, वैसे मैं बड़ी कॉन्शियस होती हूँ कि मैं अपनी को पिक्चर्स वगैरह लगाऊं, मगर मुझे लगाना पड़ा क्योंकि माशाल्लाह सैलॉन मेरे नाम पे है। तो फिर आगे चलते हैं जी, इससे आगे हमारा हेयर सेक्शन शुरू हो जाता है, तो चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। रिसेप्शन के बाद हेयर सेक्शन आता है जो मैं समझती हूँ कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सैलॉन में जो बालों का काम माशाल्लाह बहुत ज़्यादा होता है। मेरा अपना इंटरेस्ट इसलिए भी डेवलप हुआ क्योंकि मैं स्विट्जरलैंड गई कुछ अर्से के लिए और मैंने हेयर कटिंग सीखनी शुरू की। उसके बाद और भी जो हेयर से रिलेटेड हेयर डाइंग है और स्ट्रीकिंग है और हाइलाइट्स हैं, लो लाइट्स हैं, बड़ा शौक से मैंने सीखा। और अब देखिए, जैसे कि हमारा ये जो हेयर सेक्शन में हेयर कट हो रहा है, हेयर कट में जो मेरे साथ माशाल्लाह हेयर हमारे क्लाइंट हैं, उनको जो हेयर कट उनकी पसंद का चाहिए, वो लकीली हम लोग जितना भी हेयर कट करते हैं वो माशाल्लाह सबको पसंद आता है और हमारे ये काफ़ी अच्छा जा रहा है माशाल्लाह हेयर कट यहाँ का। ये साथ ही हमारा वॉश पॉइंट्स हैं जहाँ पे ज़ाहिर जब भी गाय के बाद होना पड़ता है या कभी बिफोर द कट वॉश करना पड़ता है, जो जो मामला हेयर से रिलेटेड होता है वो हमने एक प्यारी सी छोटी सी दुनिया बसाई है। मुझे नहीं पता कि ये अल्लाह ताला किस तरह से ये मामले सेट करते हैं और रिस्क का वसूल भी कह सकते हैं इसको आप कुछ भी कह सकते हैं। और बीइंग एन आर्टिस्ट, मैं समझती हूँ कि मुझे बहुत मज़ा आया। आप यकीन नहीं करेंगे कि जो हेयर कट की जो एक साइंस है वो बहुत ही ऑसम है। मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि मैंने अभी तक अपना कोई दूसरी ब्रांच क्यों शुरू नहीं की। मैं ये समझती हूँ कि बिज़नेस को इस्टेब्लिश करना और उसको सेंसिटिविटी से, उसको ईमानदारी से लेके चलना एक बहुत मेजर सीन है और मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं उस चीज़ सब चीज़ों के साथ सिंसेयरली उनको माशाल्लाह ऑनेस्टली लेके चलूँ, जिसमें हेयर थ्रेडिंग और आप देख ही रहते सब कुछ। अब हम ऊपर चलते हैं। ऊपर माशाल्लाह नेल्स का सेक्शन है और मेकअप है और फेशियल्स हैं और मैनिक्योर पेडिक्योर है। आ गए हैं हमारे ऊपर के सेक्शन और ऊपर के सेक्शन में मैनिक्योर पेडिक्योर है, नेल्स का सेक्शन है जो आप समझते हैं कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। जहाँ से मैंने स्किल ली है वो ISA के नाम से है, इंटरनेशनल स्किल्स अकेडमी। नेल्स का जो सेक्शन है ये मैं भी फिलहाल खुद लुक आफ्टर कर रही हूँ और इंशाल्लाह जो जितनी भी बच्चियाँ आएंगी और जितनी भी बच्चियाँ सीख रही हैं वो इंशाल्लाह बहुत जल्द अच्छा सा नेल्स का काम करके दिखाएंगे। ये हमारा वेटिंग एरिया है जी। ऊपर जब हम आते हैं तो हमारा वेटिंग एरिया स्टार्ट हो जाता है। हमारा मैनिक्योर पेडिक्योर का एरिया, इसमें ज़ाहिर हाथों और पैरों की बहुत निगहदाश्त जो बहुत ज़रूरी है। अब तो आई एम श्योर बहुत सारे मर्द हजरात भी बहुत सारे सैलॉन्स में कर रहे हैं और बड़ा रिलैक्सिंग है। इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं, नेल्स का बड़ा सारा सिनेरियो आ जाता है और उसके बाद मसाज और बड़ा रिलैक्सिंग और मज़ेदार से हाथ और पैर साफ।
आजकल हमें पता ही है कि सिग्नेचर मेकअप्स और हर चीज़ जो है, जो भी अगर सैलून ओनर हैं और वो कर रही हैं, तो वो अब बड़ा इन हो गया है मामला। तो इसलिए थोड़ा सा ज़ाहिर है, सच ज़ाहिर है, ज़िंदगी में इतना ज़्यादा काम करने के बाद मेकअप से तो खैर आपको पता है ख़वातीन को वैसे ही बड़ा शौक होता है, और मुझे भी बहुत ज़्यादा शौक़ था पहले, तो बहुत ही ज़्यादा था। और अब जब से सैलून खोला है, वो ज़ाहिर है आपको जो स्टाफ है माशाल्लाह उसके ऊपर भी उनको काम देना पड़ता है, उनको पे रिलाय करना पड़ता है, मगर जहाँ पे सिग्नेचर मेकअप की ज़रूरत पड़ती है वहाँ मैं डेफिनेटली अपना जो मेरा एक्सपीरियंस है और जो मेरे हाथ का फिनिश है वो मैं ज़रूर देने की कोशिश करती हूँ। और एक ब्यूटी सैलून का बहुत मेजर पार्ट जो होता है वो फेशियल्स होते हैं। हमारे पास भी माशाल्लाह बहुत सारे बहुत तरह की फेशियल्स हैं, जो हर्बल से स्टार्ट होता है, वाइटनिंग में जाता है, उसके बाद अब ज़ाहिर है हाइलुरोनिक एक बड़ा मज़ेदार फेशियल है, जेंसन तो मेरा ख्याल है बहुत अच्छे से हम सबको पता ही है, फिर उसके बाद जो LED मास्क अभी आप देख रहे थे वो आ जाता है हाइड्रा फेशियल। और अब ये सारी चीज़ें जो एस्थेटिक्स से बहुत सारी ज़ाहिर है, इट्स ऑल अबाउट एस्थेटिक्स, और उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड हो गई। आजकल देखिए ज़ाहिर है एस्थेटिक्स क्योंकि अब बहुत ज़्यादा शामिल होना शुरू हो गए हैं सैलून के काम में, तो आईलैश एक्सटेंशन का भी एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है, और बहुत सारे क्लाइंट्स जो हैं वो चाहते हैं कि उनकी जो बहुत सारे आपको पता है कि हर एक की ज़ाहिर आई लैशेज इतनी घनी नहीं होती, तो वो चाह रहे होते हैं कि उनकी आई लैशेज जो हैं उनको थोड़ा सा इन्हांस हो जाए वो, और वो उनमें आपको आई लैश एक्सटेंशन ना करनी पड़े। जैसे आई लैश एक्सटेंशन का ये फ़ायदा जी, जो बहुत जिन लोगों के आई लैशेज थिक नहीं होते जैसे उनको इस चीज़ की ज़रूरत महसूस होती है, और इसमें दो तीन अकसाम होती हैं, ये भी मैंने ख़ुद सीखा, ताकि मैं ये समझती हूँ कि ज़ाहिर अगर आपको पता है कि स्टाफ जो होता है उसमें बच्चियाँ ज़ाहिर मूव करती रहती हैं, ज़रूरी तो नहीं होता कि आपके साथ जो एक शुरू में एक स्टाफ आया है वो आपके साथ रहे, और सैलून बिजनेस में ये चीज़ ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं वो स्किल्स ख़ुद सीख लूँ, ताकि जो भी आने वाली बच्ची है मैं उसको वो स्किल सिखा सकूँ, ना मुझे परेशानी होगी बल्कि अच्छा है कि जो आने वाली बच्ची है उस तक ये सारी स्किल्स पहुँच जाएंगी।